मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर सहित नेहरू बस स्टैंड बड़े बालाजी मंदिर पर भी पतंगों से सजाया मंदिर। एसपी ने खेले गिल्ली डंडे और उड़ाई पतंग। मंदसौर जिले सहित देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पतंगों से श्रृंगार कर मंदिर परिसर को सजाया। साथ ही मंदसौर नेहरू बस स्टैंड से श्री बड़े बालाजी मंदिर पर भी 1000 पतंगों से मंदिर परिसर को सजाया गया। मंदसौर पुलिस लाइन की बात करें तो यहां पर भी आज मकर संक्रांति के पर्व पर पुलिस परिवार के लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी की है और गुल्ली डंडे खेलकर लुत्फ उठाया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज पुलिस परिवार और पत्रकारों ने मिलकर पतंगबाजी की है, गुल्ली डंडे में अपने हाथ आजमाए हैं। इस तरह का आयोजन मंदसौर के पुलिस लाइन में पहली बार हुआ है। पत्रकार और पुलिस एक साथ पतंग उड़ाती नजर आई है और गिल्ली डंडे खेलती नजर आई है, जिसमें महिला पुलिस जवान अधिकारी शामिल थी। पुलिस लाइन ग्राउंड पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सिंह सोलंकी, सीएसपी सतनाम सिंह, एसडीओपी नरेंद्र कुमार सोलंकी, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी, वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक, नयाबादी थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। यह जानकारी रक्षित निरीक्षक द्वारा दी गई और बताया कि आज उत्साह के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। मंदसौर शहर भर में मकर संक्रांति के पर्व पर गायों को हरा चारा खिलाकर दान किया गया है और आज का दिन दान करने का होता है। मंदसौर के गांधी चौराहे पर भी हरा चारा खिलाकर लोगों ने दान पुण्य किया और मंदसौर के खानपुरा में भी जलेबी का वितरण किया गया है। मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जलेबी बनाकर लुत्फ उठाया। साथ ही विधायक सिसोदिया के बेटे भानु प्रताप सिंह सिसोदिया ने भी जलेबी बनाकर लुत्फ उठाया है और वितरण की गई है। गणपति चौक में भी गरीबों को भोजन कराया गया और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मौजूद थे और उनके द्वारा भी गरीबों को भोजन खिलाया। साथ ही मंदसौर के कालाखेत में भी गरीबों को भोजन कराया। मंदसौर जिले में अलग अलग स्थानों पर इस तरह से भोजन कराया गया है और कई तरह के आइटम वितरण किए गए हैं। गली मोहल्ले सहित सभी जगह आज मकर संक्रांति पर उत्साह नजर आया है। दोस्तों ने भी एक दूसरे के साथ मिलकर पतंगबाजी की है और गुल्ली डंडे खेले हैं। परिवार के सदस्यों ने भी गुल्ली डंडे खेलकर पतंगबाजी की है। मंदसौर के नेहरू बस स्टैंड पर भी 1000 पतंग से मंदिर परिसर को सजाया गया, जिसमें पतंग की डोर से भी मंदिर को सजाया गया है। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर एवं तापेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी आज पतंगों से मंदिर को सजाया गया है और इस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रतिव अनुसार इस वर्ष भी जो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है, हिंदू संस्कृति के त्यौहार है। अब पतंग का त्यौहार है, पतंग के हिसाब से सजाया गया मंदिर और विशेष श्रृंगार करके दान पुण्य का महत्व है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, इस उद्देश्य से संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। कितनी पतंग यहाँ पर लगाई गई है? अब पतंग 1000 पतंग के श्रृंगार किया गया है। बालाजी का सभी प्रकार की पतंग, रस्सी, डोर वगैरह है, श्रृंगार किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद द्विवेदी। ठीक है, पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि यहाँ पर परंपरागत रूप से पतंगबाजी का और गिल्ली डंडा खेले जाने की प्रथा है, तो उसके दाते में आज पुलिस लाइन में यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस परिवार और प्रेस परिवार और एडमिनिस्ट्रेटिव परिवार जितना भी सभी को आमंत्रित किया गया था। सभी ने परिवार सहित यहाँ पर आके इस त्यौहार में पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं विपिन चौहान और आज हम लोग मंदसौर के नेहरू बस स्टैंड श्री बड़े बालाजी मंदिर पर मौजूद है और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आज मंदिर समिति के यहां पर सभी श्रद्धालु और पुजारी द्वारा एकत्रित होकर यहां पर पतंग से देर रात को 13 जनवरी को यहां पर श्रृंगार किया गया है। यहां पर 1000 पतंग का श्रृंगार किया गया है और यहां पर जो डोर है यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल किया गया है। पंडित जी द्वारा बताया गया कि हिंदुओं का सबसे बड़ा एक त्यौहार माना जाता है, मकर संक्रांति का पर्व है और आज के दिन दान पुण्य देने का भी एक बड़ा महत्व माना जाता है। उसी को लेकर एक भव्य रूप से यहाँ पर पतंग का भव्य श्रृंगार किया गया है। मंदसौर की माटी के लिए विपिन चौहान।